हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी जो तैयारी इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी ग्रुप डी की बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। मैं हूं रंजीत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स 24 में। अगर आप इलाहाबाद हाईकोर्ट की परीक्षा देने जा रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने जा रही है, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट लगातार ये पूछ रहे हैं कि सर, इसका जो एग्ज़ाम है ग्रुप सी या ग्रुप डी का, कब तक हो सकता है, हमें तैयारी करने का कितना समय मिल पाएगा, इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि स्मार्ट तैयारी आपको करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए। जैसा कि अदर बोर्ड की हम बात करें, रेलवे, एसएससी या यूपी ट्रिपल एससी या अदर बोर्ड, उनके एग्ज़ाम में काफ़ी समय लगता है। जैसे कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म पढ़ चुके हैं तो उसके बाद काफ़ी 6 महीने 8 महीने या 1 साल भी लग जाती है, लेकिन इसमें हम इलाहाबाद हाईकोर्ट की वैकेंसी अगर हम बात करेंगे तो इतना वक्त आपको नहीं मिलेगा। तो एक स्मार्ट तैयारी आपको किस प्रकार से करनी चाहिए, सिलेबस आपको मैं बता ही चुका हूं, तो थोड़ा सा यहां पे मैं आपको रखूंगा अपनी बात, ठीक है। और जैसा कि आपको ये पता ही, ग्रुप सी ग्रुप डी में 3932 पद हैं, पदों की संख्या बहुत ज़्यादा है, एक बड़ा मौका है आपके लिए। इसलिए सबसे पहले आप एक टाइम टेबल ज़रूर बना लें, लगभग 5 से 6 घंटे अपनी समय देंगे और निश्चित रूप से ज़्यादा डीप यहाँ पर प्रश्न परीक्षाओं में नहीं पूछे जाते, मैं आपको पुनः बोल रहा हूँ, आप एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं जो जितना भी वक्त आपको मिलने जा रहा है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जाम डेट को लेकर के, ठीक है। देखिएगा, हम प्रीवियस हम परीक्षाओं की अगर हम बात करें, जैसे और इलाहाबाद हाईकोर्ट की पहले भी परीक्षाएँ हुई हैं, तो हम बात करेंगे तो जो आपके रजिस्ट्रेशन थे, जैसे कि उनकी समाप्ति के बाद 25 से 30 दिन में परीक्षा हो चुकी। पिछले हम प्रीवियस एग्जाम की अगर हम बात करेंगे, जो पिछला एग्जाम हुआ है उसकी अगर हम बात करेंगे, पिछला परीक्षा जो पिछली परीक्षा हुई है वो आपके 25 से 30 दिन में परीक्षा हो गई थी। इस बात को ग्रुप सी के लिए तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और इस बार जो परीक्षा जो एजेंसी है आपकी, ठीक है, जो इस बार जो परीक्षा एजेंसी है वो आपकी है NTA, ठीक है। ये जो आपकी NTA जो परीक्षा एजेंसी है वो उसने पूरी तैयारी आपकी कर ली है, पूरी क्या है तैयारी कर ली है इस परीक्षा की, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, तो इसका जो एग्जाम है वो कब तक हो सकता है मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, इसकी जो एग्जाम की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है वो आपके है दिसंबर लास्ट, ठीक है। तो यानी कि इसकी जो दिसंबर में आपकी जो परीक्षा होने की संभावना है, अगर किसी कारण बस ये परीक्षा यहां पर नहीं हो पाती दिसंबर में किसी कारणवश, तो जनवरी में तो आपकी ये 100% परीक्षा यहां पर हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, दिसंबर में आपकी जो है यहाँ पे जनवरी परीक्षा आपकी हो जाएगी। तो जनवरी और दिसंबर में ज़्यादा अंतर नहीं है, तो आपको ज़्यादा समय नहीं मिलने जा रहा। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि अपनी जो तैयारी है, बहुत सारे स्टूडेंट ये क्या करते हैं, जब एडमिट कार्ड आ जाता है तब अपनी तैयारी शुरू करते हैं, आप ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। अभी से एक टाइम टेबल निश्चित करिएगा और अपनी पढ़ाई रखिएगा, सकारात्मक रहिए, ऊर्जावान रहिएगा, निश्चित आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे टीचर्स पता नहीं क्या क्या बातें करते रहते हैं, पिछली परीक्षा हुई है 2018 में, तब समय कुछ और था, अब कुछ समय कुछ और है। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारी चीज़ नकारात्मक नेगेटिव बातें करते हैं कि नहीं, इसमें सारी भर्ती जुगाड़ से हो जाती है या वैसे हो जाती है, लेकिन इस तरह की जो है आप तैयारी करिएगा, निश्चित सफलता मिलेगी। हुआ होगा, पहले हुआ होता रहा होगा, मैं इस बात को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इस बार वैकेंसी आपकी बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट होगी, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ आप तैयारी करिए अच्छी तरीके से। चलिए देखिए, तो ये तो बोल ही चुका हूँ कि ज़्यादा समय आपको नहीं मिलने जा रहा है, दिसंबर लास्ट या जनवरी में आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है। उसके बाद हम बात करें भाई अब स्मार्ट तैयारी को लेकर के, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैंने ये दोनों चीज़ें पहले से लिख ली, इसलिए कि मुझे पता है आप लोग बार बार कमेंट करते हैं। देखिए, डिटेल जो सिलेबस है आपका, अगर आप एक स्मार्ट तैयारी करना चाहते हैं, चाहे हाई कोर्ट हो या अदर एग्जाम हो, तो सबसे पहले उसका जो सिलेबस है टॉपिक वाइज उसे समझेंगे। अगर किसी परीक्षा का टॉपिक वाइज सिलेबस नहीं दिया है तो कम से कम 3 से 4 जो पिछली बार परीक्षा हो चुकी हैं उन्हें आप देखेंगे क्वेश्चन पेपर को, तो आप वहाँ से आइडिया लगा लेंगे कि यह कैसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आप इतना काम नहीं कर पा रहे हैं तो घबराने परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस पर मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ, लगभग 7-8 दिन पहले ये वीडियो मैंने डिटेल के साथ बताया, और बाकायदा मैंने जैसे कि हिंदी हो चाहे GS हो चाहे मैथ हो, सभी मैंने बताया है कि किस टॉपिक से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो उस वीडियो का आप जरूर देखें, आप तैयारी कर रहे हैं तो उस वीडियो का जरूर देखना कि क्या पूछा जाता है, किस टॉपिक से कहाँ से प्रश्न आपके रखे जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मैंने प्लेलिस्ट पूरी बना दी है इलाहाबाद हाईकोर्ट वैकेंसी ग्रुप सी ग्रुप डी, तो पूरी प्लेलिस्ट है, तो वहाँ 4 से 5 वीडियो है,
तो उनमें से आप देख लेंगे आराम से, ठीक है। चलिए अब मैं बात करूंगा जैसे कि इसमें देखिए, ये तो बात होगी डिटेल सिलेबस। हाँ, एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया, बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे हैं सर एडमिट कार्ड जो है कब तक आ जाएंगे। देखिए एडमिट कार्ड जब एग्जाम होगा, एग्जाम से 10 से 15 दिन पहले एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड शुरुआत हो जाते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे सिलेबस। देखिए आपको ये पता है कि हिंदी, जीएस, मैथ्स और इंग्लिश का आपके यहाँ से 100% परीक्षा में अब पूछे जाते हैं, ग्रुप सी में और ग्रुप डी में, ठीक है। डी में क्या है, दो परीक्षाएं होगी इसी सिलेबस में, ठीक है। अब देखिए यार, ग्रुप सी वालों के लिए मैं एक विशेष चीज बता दूं कि टाइपिंग भी आप करते रहेंगे, क्योंकि टाइपिंग का भी इसमें ज्यादा समय आपको नहीं मिल पाता है, ठीक है। देखिए जो आपका पेपर आता है ना, पेपर ग्रुप डी के पेपर की अगर हम बात करें एक स्मार्ट तैयारी के लिए, तो ग्रुप डी का पेपर बहुत ही हल्का पेपर आता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि इसकी जो योग्यता है, योग्यता क्या है, सिक्स्थ, एट्थ और आपकी हाई स्कूल मांगी ये परीक्षा में, ग्रुप डी की बात कर रहा हूँ। तो आप सोच सकते हैं परीक्षा जो है लेवल क्या रहेगा, पेपर पेपर बहुत हल्का रहता है, ठीक है। हिंदी बहुत सरल आती है, बहुत सिंपल आती है। हम बुक की अगर हम बात करूँ, वैसे मैं एक बुक पे जो है बहुत ही डिटेल वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, बहुत डिटेल से बता चुका हूँ कौन सी बुक आपके लिए सबसे बेहतर रहेगी। लेकिन यहाँ भी बात करूँगा मैं, हिंदी के लिए ग्रुप सी ग्रुप डी के लिए कोई भी आपके पास बुक है, चाहे आदित्य पब्लिकेशन है, चाहे लूसेंट है, चाहे आपके पास अरिहंत है, या कोई अदर बुक भी है, तो उसी से काम चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और टॉपिक वाइज मैं आपको बता चुका हूँ हिंदी से कहाँ से ज़्यादा टॉपिक पूछे जाते हैं, तो उसके लिए भी डिटेल वीडियो आप देख लेंगे, यहाँ बताऊँगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। तो हिंदी के लिए कोई भी बुक ले लीजिए। जीएस की मैं आपको बोल रहा हूँ, जीएस में आपको बताया था लूसेंट सभी के पास है, वो पढ़ लो सबसे बेस्ट है। लूसेंट अगर नहीं पढ़ना चाहते तो किरण की भी आती है सभी सब्जेक्ट वाली, वो पढ़ सकते हैं। एक महेश वर्मा की एनसीईआरटी सार संग्रह आती है सभी सब्जेक्ट का, वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। और आपकी दृष्टि की भी आती है सभी सब्जेक्ट की, तो वो पढ़ सकते हैं। जो आपके पास बुक हो वो आप पढ़ लो, ठीक है। इसमें जीएस में थोड़ा एक चीज़ है कि करंट अफेयर आपको भी अलग से पढ़नी पड़ेगी, कोई भी मैगजीन हो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। जीएस में स्टैटिक जीके वाला टॉपिक है, उसे अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, टॉपिक वाइज मैं आपको सारी चीज़ बता चुका हूँ डिटेल में इस वीडियो, ठीक। अब हम बात करेंगे मैथ्स की। मैथ्स के पास जो आपके पास बुक हो, आर एस अग्रवाल हो या किरण पब्लिकेशन हो या कोई अदर बुक हो, ठीक है, तो एस डी यादव हो, वहाँ से ही प्रश्न आपको मिल जाएंगे। ग्रुप डी में तो बहुत सिंपल प्रश्न, ऐसे प्रश्न आते हैं कि आप आराम से कर लेंगे। ग्रुप सी में थोड़ा इतने एडवांस मैथ से भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो वहाँ थोड़ा लेवल हल्का ऊपर हो जाता है, ठीक है। इंग्लिश की अगर हम बात करेंगे तो इंग्लिश में सबसे पहले ये देखेंगे कि कुछ ही टॉपिक है वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, फिलिंग द ब्लैंक सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, ईडियम फ्रेज पूछे जाते हैं, पैसेज एक पूछा जाता है, तो इस पर डिटेल वीडियो बना चुका। तो इंग्लिश के लिए आप सुबह क्या करेंगे, आप बी के सिन्हा की बुक आती है या तो वो ले लेंगे, या फिर एक बुक और आती है उनकी जो के डी कैंपस वालों की, नीतू मैम की, वो बुक ले लीजिए, या फिर प्रीवियस क्वेश्चन आप जरूर लगाएं। ये तो बुक मैंने आपको बता दी, ठीक है। एक स्मार्ट तैयारी करेंगे, स्मार्ट तैयारी करने का सबसे बड़ा जो तरीका है वो आप है प्रीवियस, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन लगाकर आप ये ऐड करेंगे कि कौन से टॉपिक से प्रश्न परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, वो टॉपिक आप ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे और यहीं से प्रश्न सबसे ज़्यादा रखे जाएंगे। और रखने का मतलब वो ये, कम समय में आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाएगी। उसके साथ साथ देखिए एक बुक और घटना चक्री बुक अभी आई है, तो वो आप ले सकते हैं, उसमें जो प्रीवियस क्वेश्चन भी दे रखे हैं और डिटेल के साथ भी जो टॉपिक वाइज भी दे रखे हैं, तो एक बुक आप ये भी ले सकते हैं, ठीक है। मैं पुनः बोल रहा हूँ कि एक स्मार्ट तैयारी करने का सबसे जो बेस्ट चीज़ है वो है आपके प्रीवियस जो है सिलेबस, टॉपिक वाइज सिलेबस अगर आपने पता कर लिया तो पेपर आपका ज़्यादा कठिन नहीं आता है, नॉर्मल पेपर आता है, आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। अगर दिसंबर में भी एग्ज़ाम होगा तब भी आपको पास कम से कम आपका 30 से 35 दिन आपका जो है समय आपको मिल रहा है। अगर जनवरी में होता है तब भी आपको लगभग जो है आपका 40 से 45 दिन का समय आपको जो है मिल जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा डीप नहीं पढ़ेंगे किसी भी तैयारी को, ज़्यादा डीप आप तैयारी बिल्कुल ना करें, मैं आपको बता रहा हूँ, नॉर्मल पेपर आता है नॉर्मली ही आप तैयारी करेंगे, ठीक है। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ठीक है। और आप पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिएगा, बहुत अच्छी तरीके से आप तैयारी करेंगे। वो महत्वपूर्ण चीज़ है कि एक टाइम टेबल आप ज़रूर बनाएंगे, और टाइम टेबल बना करके एक और 5 से 6 घंटे तो कम से कम आपका यहाँ पर समय देंगे ही देंगे। अगर आप इतना कर लेंगे निश्चित रूप से, और पूरे पूरे मन से, मेहनत से, ईमानदारी से तैयारी करेंगे, तो इसमें सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। बहुत सारे लोग पता नहीं क्या से क्या कर रहे हैं, वो आप सब नकारात्मक बातें वो छोड़िएगा, अपनी तैयारी है वो आप करिएगा अच्छे से। लोग बोलते रहेंगे
जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब कहेंगे कि हाँ वाकई में इसने मेहनत की थी। तब आपसे ये कोई नहीं पूछेगा कि जुगाड़ से हुआ है कैसे हुआ है, आप पढ़िएगा मेहनत करिएगा और निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। कोई भी अगर डाउट है, किसी प्रकार की अगर डाउट है तो आप मुझे नीचे लिंक है इंस्टाग्राम पर, तो वहाँ जा सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और मुझे मैसेज छोड़ सकते हैं, तो उसका मैं रिप्लाई जो है आपको कर दूंगा। ठीक है, तो पुनः बोल रहा हूँ जो मुख्य चीज़ है कि दिसंबर में आपका जनवरी में एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो लाइक और शेयर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।